आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी पूरी सरकारी तंत्र आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके मोहल्ले में कैंप लगा लगा करके आपकी समस्या का समाधान करने में लगा है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने जब सरकार बनाई थी और सरकार ठीक से बैठा भी नहीं था कि कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आ गया, पूरा देश में आ गया, और ऊपर से कानून और ऊपर से देश में लॉकडाउन जैसा आदेश पारित हो गया, पूरा देश पूरा दुनिया मानो रुक सा गया था। ये धरती गोल है, पूरा गोल नहीं है, थोड़ा चपटा है, फिर भी ये घूमता रहता है। लेकिन कोरोना एक ऐसा परिस्थिति आया कि ऐसा लगा कि ये दुनिया भी रुक गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, घर द्वार सब बंद, स्कूल उस्कूल सब बंद। यहां बड़े पैमाने पे हमारी बेटियां बंद है, कोरोना में स्कूल बंद हुआ था ना, ऐसे ही स्थिति था। और इतना डरावना, इतना भयावह इस दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अगल बगल राज्य में तो इस कोरोना से ऐसा लोग मरता था जानवर मरता हो। हमारे इस राज्य के भी, चूंकि ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, हमारा यहाँ बड़े पैमाने पर मजदूर किस्म का लोग रहता है और रोजगार के लिए देश विदेश में जाता है, उन लोग भी वहां फंस गया। उन लोग घर आने के लिए कोई गाड़ी मोटर साइकिल कुछ नहीं मिला। और उस समय आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपके परिवारजनों को मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक से, अलग अलग राज्यों से, हवाई जहाज से, ट्रेनों से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। दो साल इतना उथल पुथल, इतना परेशान हमारी सरकार सोती नहीं थी। अगल बगल राज्य में तो इतना बुरा हाल हो गया कि वहां पर लोगों को जलाने के लिए लकड़ी खत्म, लोगों को मिट्टी में दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, लोग अपने परिवारजनों का लाश ऐसे ही नदी में फेंक देता था और मैदान में छोड़ के चला जाता था। चील, कौवा, कुत्ता सब खाता था वो सब जानवर लोग। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में कोरोना कैसे आया, कैसे गया, इसका हम पता भी नहीं होने दिए इस राज्य की जनता को। लेकिन इसके लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा कि आप लोगों की जान, आपके परिवारजनों की जान और झारखंड के लोगों के, गरीब गुरुआ लोगों की जान बचाने के लिए हमारे दो दो मंत्री को कोरोना ने खा लिया। एक हाजी हुसैन अंसारी साहब मधुपुर का एमएलए और हमारे मंत्री थे, और दूसरा जिसको हम लोग यही डुमरी का विधायक टाइगर जगन्नाथ महतो होते थे, उसको भी कोरोना लेके साथ चला गया। आज उनकी बेवा पत्नी बेबी देवी जी हमारे साथ यहां बैठी है, उनके जाने के बाद हमने उनको यहां मंत्री बनाया है। और आज जो महिला सम्मान योजना जो हम आज राज्य की आधी आबादी को देने का काम कर रहे हैं, वो बेबी देवी के विभाग से हम आप लोगों को देने का काम करवा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आज अगर हम योजना गिनाने लगे, हम लोग दो साल तो कोरोना से लड़ते पिटते रहे, जब काम करने शुरू किए तो हमारे विपक्ष के लोग हमारे टांगे खींचने लगे, झूठा आरोप लगाने लगा। आपको याद होगा सरकार बनाने वक्त हमारा हुलिया कैसा था और आज हमारा हुलिया कैसा हो गया। आज इन बेईमानों की वजह से
इन लोगों ने मुझे 2 साल तक कुत्ता बिल्ली की तरह लुका छिपी खेलते रहे और झूठा आरोप प्रत्यारोप करते करते ये लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। अंत में नहीं सका तो जेल में भी डाल दिया। लेकिन जहां गरीब गुरुआ लोगों का आशीर्वाद किसी के सर पर हो तो उसका बाल भी बाका ऊपर नहीं कर सकता ये लोग। आज इसी का नतीजा है कि फिर से हम आपके बीच में हैं। आज इस राज में बूढ़ा बुजुर्ग लोग, जहां गांव में 2-4-5 लोग पेंशन पाता था, आज देश का पहला ये राज बना जहां हमने कानून बना दिया कि इस राज का जितना बूढ़ा बुजुर्ग लोग है सबको बुढ़ापे का लाठी देंगे और सबको पेंशन देने का काम हम लोगों ने किया। नहीं तो आज के दिन में जो हालात है, अगर माँ बाप बूढ़ा हो गया, गरीबी इतना है कि बेटा भी उन लोगों को घर से निकाल देता है, और पहले सबका ये हालत था कि गांव में 1-2 लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन आज दिया और टॉर्च लगा के भी ढूंढिएगा तो कोई बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं है। और इसके साथ इस राज की हमारी आधी आबादी जो महिला है, कोरोना में जो इन महिलाओं ने काम किया है वो इस देश का उदाहरण है। यहाँ का मजदूर एक दिन खाना नहीं, एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा घर भूखा रहता है। कोरोना के समय हमारी महिला दीदियों ने पंचायत पंचायत गांव गांव में खाना बना बना करके मजदूरों को मुफ्त खिलाने का काम किया था। आज हमने उसी समय ये प्रण किया था कि इस राज की आधी आबादी को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, और आज आपके सामने इस राज की 18 साल से 49 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि हम लोग एक मुख्यमंत्री मैया योजना हम लोगों ने शुरू किया है। पहला किस्त आप लोगों के खाते में जा चुका है और आज बोकारो की ये पवित्र धरती से मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त हम लोग देना शुरू करने जा रहे हैं। कल परसों हम लोग का करम परब भी है, महिलाएं बहुत उत्साहित रहती हैं। आज आप लोग के खाते में मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त जाएगा, और अपना आप त्योहार खुशी से मनाइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां बच्चियां, जो गरीब गुरुआ के लिए बेटी सबसे ज्यादा बोझ मानी जाती है, और जैसे ही 10वीं 12वीं पास नहीं करता माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से कहेंगे कि आप ही काम छोड़ दीजिए, आप बेटियों की पूरी जिम्मेवारी अब सरकार उठाने जा रही है, उन लोग को इंजीनियर और डॉक्टर बनाइए। इसका पहला चरण में हमने अपने बच्चियों को सावित्री बाई फूले योजना से जोड़ा है, और आज लगभग 10 लाख बच्चियों को हमने इससे जोड़ा, और आगे आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, इनको डॉक्टर पढ़ाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, इंजीनियर बनाइए, और आपको बैंक से 15 लाख रुपया तुरंत आपको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा, और कोई जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखना है, खाली गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपको लेके जाना है। गरीब गुरुआ को बैंक कहां मदद करता है, इसीलिए आप लोग बच्चों का पढ़ाई का आप चिंता मत कीजिए। आज हम सिर्फ यही नहीं, विदेशों में भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार पैसा देने का काम कर रही है। हमारे बच्चे भी अब देश विदेशों में पढ़ाई करेंगे और उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये देश का पहला राज है जहां इस तरीके की योजनाएं चल रही है। और तो और हमको पता है इस राज का गरीबी कैसा है, यहाँ के गरीब कितने हैं। आज हमारे कई ऐसे गरीब गुरुआ लोग हैं जहां तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है, लेकिन सरकार ने हर गरीब को साल में 2 बार धोती लुंगी साड़ी देने का योजना भी प्रारंभ किया है।
जहां सबको साल में दो बार हम लोग धोती और साड़ी लुंगी देते हैं। इसीलिए आप लोग अपने बाल बच्चे, खेती, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। और हमारे किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने कई योजना लाया है। आज मौसम बदल रहा है, व्यापारियों ने जंगल साफ कर दिया और आज खेती बाड़ी का प्रारूप बदल रहा है। वैकल्पिक खेती के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, किसानों का ऋण माफी योजना और साथ साथ में आप लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री भी हम लोगों ने कर दिया है। 200 यूनिट फ्री तो किया है, इसके अलावा जो आपका पहला बकाया था वो भी हम लोगों ने माफ कर दिया, पुराना बकाया का भी ये नहीं। इसलिए हम विशेष नहीं कहते हुए, और भी कार्यक्रमों में जाना है, कई कार्यक्रमों में हम लोग जा रहे हैं। हम खाली देखने आते हैं कि सरकार आपके द्वार जाती है कि नहीं जाती है। आज महिला दीदियों को जो पेंशन, जो सम्मान राशि मिल रहा है, इसके लिए आपको ब्लॉक का चक्कर, किसी दलाल का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। आपके गांव में, आपके पंचायत में पदाधिकारियों ने जा करके आपका ये कागज बनाया और खाते में पैसा भेजने का काम किया है। कभी आप लोगों ने राज अलग होने के बाद किसी पदाधिकारी को गांव जाते देखा? कभी नहीं। लेकिन हमारा संकल्प था कि हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलेगा, और गांव में आज सरकार है। इसीलिए हम महिला दीदी लोग से जानना चाहते हैं, महिला सम्मान योजना आपको पसंद है? जोर से बोलिए, आपको योजना पसंद है? और बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमको याद रखिएगा कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। अभी तो मात्र 2 साल, 2 साल तो हम लोगों ने कोरोना के साथ नूरा कुश्ती किया, मात्र 2 साल। और 2 साल में भी हमारे विपक्ष के लोग रोज टांग खींचे, रोज जेल भेजने का धमकी, तरह तरह के आरोप लगा लगा करके हमें परेशान किया। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद बना रहेगा तो ऐसे ही आने वाला समय में आप लोगों के लिए कल्याणकारी योजना आएंगी। आज हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य के हर गरीब में के घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। आज ही सोच लीजिए, आज ही किसी घर में अगर 3 महिला है तो 12 या 36 हजार रुपया साल में, और साथ साथ में माँ बाप है तो उन लोग का 12-24 हजार रुपया, 60 हजार रुपया तो आज घर में जा रहा है। 1 लाख पहुंचाना तो दूर, 1 लाख से भी हम लोग आगे जाएंगे अगले 5 साल में, और किसी के सामने भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए साथी, विशेष आज बहुत सारी बातें हैं, धोती साड़ी लुंगी योजना, हम लोग का श्रम विभाग से कई सारी योजनाएं चल रही है। आज जीनी से लेकर मरनी तक का कोई ना कोई सहायता राज्य सरकार राज्यवासियों को दे रहा है। लेकिन सब पहले ये लोग अपना जेब डकारते थे, अपना जेब में भर लेते थे, लेकिन जब हम लोग अधिकार मांगते हैं तो ये लोग हम लोग को जेल भेज देता है। लेकिन हम लोग ना जेल से डरे हैं, ना गोलियों से डरे हैं। ये झारखंड है, भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू की धरती है, विनोद बिहारी मातो की धरती है, और हम लोग इन लोगों के साथ आए दिन ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी। लेकिन आपका आशीर्वाद बना रहे
और हम लोग विजय होते हुए आपके बीच में रहेंगे। आज हमारे मुखियाओं को, आज हमारे कर्मचारियों को, आज देखिए कौन कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, सभी लोग ढोल नगाड़ा मांदर के साथ झूमते हुए पूरे राज्य में घूम रहे हैं। लेकिन 25-30 साल तक इन लोग, 20 साल तक तो इन लोगों ने कभी उनका कोई तकलीफ नहीं देखा। इसीलिए सरकार ने आम नागरिक और सरकार के अभिन्न अंग को भी अपने साथ खड़ा होने के लिए मजबूती से उसके साथ उनका हक अधिकार देने का काम किया है। पहले गांव देहात में सरकारी कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को ट्रैक्टर सरकार की तरफ से मिलता था। आज देखिए, आज गांव गांव में लोग बलेरो खरीद रहा है, ट्रैक्टर तो खरीद ही रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है, कोई इनोवा खरीद रहा है, कोई बस खरीद रहा है और स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप लोग सरकार के सहायता राशि से आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, अगर आपका पूंजी नहीं है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी और अपना काम शुरू कीजिए। तो इसलिए आप लोग ये बहुत दूर से आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूछेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोग पर है ना, रहेगा? चल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आबोरन गो बाबा बोया मिश्रा मजी अड़ाम गुड़ित नायके को अब हड़ को आ हो, आबोरन मजी अड़ाम गुड़ित नायके को आ, जो मान देता है लेना ओना हो आले ले डबल का तपिया आतु दिशो मौते से जुगाओ दो हाई पे आ नेत आयमा कहू को अचुरो कना शर्मा चोट रहे उनको पे नेल दो को जाना को आतकिरालो को आतकिरता बनमा ओनाते नवा लुगु बुरु घंटा बाड़ी रे नवा अब संताड दिसम रे आपे नोंडे खन कथा पसनाओ पे कि नवा दिसम रे आबुआ दिसम आबुआ सरकार हुई लगती करा आने आज ये लोग एन केन प्रकार इन सरकार गिराने पर लगा है। कभी विधायक खरीदता है, कभी मंत्री खरीदता है, और विधायक मंत्री को तो ऐसा खरीदता है लगता है बाजार में सब्जी खरीदता हो। ये लोग पास इतना पैसा हो गया, इन लोगों के पास गरीबों को पेंशन देने का पैसा नहीं है, किसानों को ऋण माफी करने का पैसा नहीं है, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए उनको आर्थिक सहायता देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। गरीबों का बिजली बकाया वो देने का पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा, लाखों लाखों कर्जा माफ करने का इनके पास पैसा है। ये हालत है। आज पूरा देश का ताकत झारखंड में घुसने जा रहा है। एक तरफ गरीब आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग और दूसरे तरफ पूंजीपतियों की एक जमात उड़ते उड़ते झारखंड आ रही है। आने वाला चुनाव में ये लोग गांव गांव, पंचायत पंचायत, घर घर में घुसेगा और लोगों को दिग्भ्रमित करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, अगड़ा पिछड़ा करेगा, दलित पिछड़ा करेगा और एक दूसरे से लड़वा करके अपना राजनीतिक रोटी सेकता। क्यों 20 साल पहले बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला? क्यों 20 साल पहले महिलाओं को सम्मान नहीं मिला? क्यों 20 साल पहले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अनुबंध कर्मियों को सम्मान नहीं मिला? क्यों हमारी बच्चियों को सम्मान नहीं मिला? ये सम्मान देने नहीं, ये सम्मान लूटने वाले लोग। लेकिन चिंता मत कीजिए, गठबंधन की सरकार, हम लोगों ने मजबूती से मोर्चा संभाल रखा है, हर जगह इनको हम लोगों ने आज पछाड़ा है। आप 2-3 महीने के बाद फिर ऐसा पटकनी देंगे कि दोबारा ही झारखंड में ये लोग खड़ा नहीं हो पाएगा।